प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम आप लोगों को 10वीं बोर्ड परीक्षा से उत्तीर्ण होकर कक्षा 11वीं में आने के लिए बधाई। साथ ही आप लोगों ने कक्षा 11वीं के अंतर्गत कॉमर्स विषय का अध्ययन करने का निश्चय किया है, इसके लिए भी आप लोगों को ढेर सारी बधाई। यहाँ पर कॉमर्स विषय के अंतर्गत हम तीन विषयों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम व्यवसाय का अध्ययन, दूसरा विषय आपका बही खाता लेखा शास्त्र और तीसरा विषय आपका व्यवसाय अर्थशास्त्र है। यहाँ पर जो आपका प्रथम सब विषय है व्यवसाय अध्ययन। तो प्रिय छात्रों, सामान्य तौर पर हम व्यवसाय के बारे में यहाँ पर आपसे चर्चा करते हैं। अध्याय एक के अंतर्गत जो प्रथम चैप्टर है हमारा, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, यहाँ पर हम शुरुआत में इस तरह से चलते हैं कि व्यापार शब्द आप लोगों ने सुना होगा, अर्थात व्यापार से यहाँ पर आशय है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है और बेचकर उससे लाभ कमाता है तो वो एक स्वाभाविक सी व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात एक व्यक्ति व्यापार करता है या व्यवसाय करता है। व्यवसाय का थोड़ा सा एक बड़ा विस्तृत रूप और आकार है, जिसमें वस्तुओं के क्रय और विक्रय के साथ साथ सेवाओं का भी क्रय विक्रय यहाँ पर जुड़ जाता है। तो सामान्य तौर पर व्यापार को हम वस्तुओं के लेन देन से जोड़ते हैं। आप यदि किसी दुकान में, किराने की दुकान में या सब्जी बाजार में या कहीं भी जाकर आप कोई सामान खरीदते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जिससे आप खरीद रहे हैं वो व्यक्ति या वो व्यवसायी उस वस्तु को आपको बेच रहा है, उसका व्यापार कर रहा है। तो यहाँ पर परस्पर लेन देन होता है, आप उसको पैसे देते हैं, वो आपको वस्तु प्रदान करता है। तो यहाँ पर व्यापार व्यवसाय के अंतर्गत जो है, एक व्यक्ति के द्वारा धन कमाने के लिए जो वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है वो व्यापार व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आइए अब हम इस अध्याय के अंतर्गत व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में जानेंगे, उनके बीच में अंतर क्या है उनको जानेंगे और आर्थिक क्रियाओं के प्रकार क्या हैं इनके बारे में हम यहाँ पर गहन अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि सामान्य तौर पर व्यवसाय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पर व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, जैसा कि हम देख रहे हैं कि व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य क्या है, तो व्यवसाय क्या है, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, इसको हम जानते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर हम सब या अधिकांश व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी न किसी कार्य में संलग्न है। मनुष्य की एक आवश्यकता की संतुष्टि होने पर तुरंत दूसरी आवश्यकता सामने आ जाती है। स्वाभाविक है कि यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है और वो पूरी हो जाती है तो उसके पश्चात उस आवश्यकता के पूरे होते ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। अर्थात हम सब ये जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित है, जो कभी समाप्त नहीं होती। और यहाँ पर लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन सीमित हैं। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, कहीं आवागमन के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, लेकिन यहाँ पर यह देखा जाता है कि आवश्यकता तो है हमारी लेकिन साधन हमारे पास सीमित हैं। अतः हम इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार निरंतर रूप से किसी न किसी क्रिया में निरंतर संलग्न रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए जो है आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो सामान्य तौर पर यहाँ पर जो है, जो एक व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा दो प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं। एक क्रिया होती है आर्थिक क्रिया, दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रिया। तो यहाँ पर हम
अध्ययन करेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं कहलाती हैं जो जीविका का साधन बनती हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य धन कमाने से जुड़ा होता है, जैसे कि किराने की दुकान के द्वारा, दुकानदार के द्वारा फुटकर सामान बेचना, थोक व्यापारी के द्वारा इकट्ठा माल बेचना, किसान द्वारा खेती करना, कारीगर के द्वारा भवन का निर्माण करना, मजदूर के द्वारा कारखाने में मशीन चलाना, डॉक्टर द्वारा मरीज का उपचार करना, शिक्षक द्वारा कक्षा में अध्यापन कराना, ये सब आर्थिक क्रियाएँ हैं। तो आर्थिक क्रियाएँ वही कहलाती हैं जिनको करने से हमें धन की प्राप्ति होती है और ये धन जो है हमारी जीविका का क्या है, साधन बनता है। यहाँ पर पीगू ने कहा है आर्थिक क्रियाएं वे सामाजिक क्रियाएं हैं जो व्यक्ति के कल्याण के लिए संपन्न की जाती हैं तथा जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। अर्थात हम जो क्रियाएं करते हैं उस क्रियाओं की कीमत को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जैसे यदि एक मजदूर 6 घंटे 8 घंटे काम करता है 300 रुपये में, तो इसका मतलब क्या है कि उसके द्वारा 6 घंटे 8 घंटे में जो काम किया गया उसकी कीमत कितनी है, 300 रुपये। तो यहाँ पर जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, ये आर्थिक क्रियाएँ। इसकी जो विशेषताएं हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली विशेषता है आर्थिक क्रिया का उद्देश्य धन उपार्जन या मुद्रा प्राप्ति होती है। अर्थात आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जो भी क्रिया की जाती है उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। दूसरा है आर्थिक क्रियाओं का माप केवल मुद्रा रूपी पैमाने से ही की जाती है। अर्थात हम जो क्रियाएँ करते हैं आर्थिक हैं या नहीं उसका पैमाना क्या है, धन। जब हम उस कार्य को करने से हमें धन की प्राप्ति होती है तो वो कहलाती है आर्थिक क्रिया। तीसरा है आर्थिक क्रियाओं में वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण या विनिमय की केवल वैधानिक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है। अर्थात इसमें वस्तुओं और सेवाओं का परस्पर हस्तांतरण होना चाहिए और विनिमय होना चाहिए। अर्थात वस्तुएँ यदि हम किसी को देते हैं, सेवाओं का लाभ हमसे यदि कोई दूसरा लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि परस्पर हस्तांतरण हो रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाओं में केवल उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा आय प्राप्ति हेतु सामान्य व्यक्ति के द्वारा की जाती है। पागल, शराबी, जुआरी व्यक्तियों की क्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अर्थात सीधी सी बात है कि वह सामान्य व्यक्ति जिस जो कार्य कर रहा है उसके कार्य करने से उसको धन की प्राप्ति हो रही है तो वो आर्थिक क्रिया है। और अगला बिंदु है आर्थिक क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं होती हैं, असामाजिक नहीं होती। यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं, सामाजिक होती हैं, जो मान्य है समाज के द्वारा मान्य है। और अंतिम बिंदु है आर्थिक क्रियाएँ छोटे व बड़े दोनों पैमाने पर की जा सकती हैं। आर्थिक क्रियाओं का कोई स्वरूप नहीं होता, छोटे छोटे रूप में भी किया जा सकता है और बहुत लार्ज स्केल पर भी इसको किया जा सकता है। तो ये थी आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं। यहाँ पर अब हम दूसरी प्रकार की क्रियाएं जो हैं हमारे सामने हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्थात अनार्थिक क्रियाएं। तो जैसा कि यहाँ पर हेडिंग से स्पष्ट है कि गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो धन कमाने से संबंधित नहीं हैं। हम अपने सामान्य दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनसे हमें धन की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन हमारी मानसिक भावनाएं, हमारी सामाजिक भावनाएं का सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक मनुष्य के द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं जो एक विशिष्ट भावना से प्रेरित होकर की जाती हैं, जैसे प्रेम
की भावना से, देशभक्ति की भावना से, समाज सेवा की भावना से या किसी की मदद करने की भावना से की जाती है, वे गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि एक मनुष्य के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा जो अपनी भावनाओं की संतुष्टि के लिए जो कार्य करता है और उससे उसको धन की प्राप्ति नहीं होती तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि सामान्य तौर पर हम घर में देखते हैं, हमारी माँ या बहन घर में भोजन बनाती हैं, उसके बदले में उन्हें कोई जीव को धनोपार्जन प्राप्त नहीं होता, धन प्राप्त नहीं होता। माता के द्वारा बच्चे का लालन पालन किया जाता है, उसके बदले में धन प्राप्त नहीं होता। वहीं एक देशभक्त द्वारा देश की रक्षा करना, डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी का इलाज करना, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना या एक समाज सेवी द्वारा गरीबों व असहायों की मदद करना, ये सब गैर आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। तो गैर आर्थिक क्रियाएँ वे क्रियाएँ हैं जिनको करने से हमें धन की प्राप्ति नहीं होती, वे गैर आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। तो हम विस्तार से यहाँ पर देखते हैं कि इनमें भेद क्या है। बेसिकली आर्थिक और गैर आर्थिक अनार्थिक क्रियाओं में क्या क्या मुख्य अंतर है, तो कुछ प्रमुख अंतरों को हम यहाँ पर देखते हैं। उद्देश्य, तो स्वाभाविक है कि आर्थिक क्रियाएं जो धन से जुड़ी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना है और अपने जीवन को सुखमय बनाना है, क्योंकि धन जो है भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है। दूसरा, इसी में गैर आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य है वो धन कमाना नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट भावना, देश सेवा, दया भावना और अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए जो कार्य बगैर धन कमाए हुए किया जाता है वो गैर आर्थिक क्रियाओं में आता है। साधन की बात करें यदि, तो आर्थिक क्रियाएं धन कमाने का साधन होती हैं, अर्थात जो भी क्रियाएं हम करते हैं उसके माध्यम से हम धन कमाते हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं जो हम करते हैं उससे हमें धन की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हमारी मानवीय भावनाओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। मापदंड की बात करें, आर्थिक क्रियाओं में का जो मापदंड है वो क्या है, मुद्रा है, धन है, रुपया है। अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा जो क्रियाएं की गई, उसके द्वारा कितनी क्रियाएं की गई, इसका मापदंड उसको प्राप्त धन या उसको प्राप्त रुपया है। यहाँ पर गैर आर्थिक क्रियाओं का मापदंड जो है वो रुपया पैसा ना होकर स्वयं की आत्म अनुभूति या संतुष्टि है। प्रेरणा की बात करें तो आर्थिक क्रियाएं व्यक्ति क्यों करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने दैनिक जीवनोपार्जन के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं जो है वो मानसिक भावनाओं को पूरा करने के लिए या अपने अंदर की आंतरिक इच्छा को पूरा करने के लिए वो करता है, जैसे समाज सेवी के द्वारा समाज के लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करना। वैधानिकता की बात करें यदि हम, तो आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक है, मतलब नियमानुसार कानूनी रूप से वैध होना चाहिए, अर्थात जो भी हम क्रियाएं करें वो वैधानिक हों। जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं जो हैं उनका वैधानिक होना आवश्यक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं से, संतुष्टि की भावना से जुड़ी हुई है। प्रकार की बात करें कि आर्थिक क्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं, तो आर्थिक प्रकार क्रियाएं जो हैं वो मनुष्य तीन प्रकार से करता है, व्यापार के रूप में, पेशे के रूप में, रोजगार के रूप में। ये जो हैं आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं, अर्थात व्यापार, पेशा और रोजगार के माध्यम से व्यक्ति धन कमाता है। गैर आर्थिक क्रियाओं के जो प्रकार हैं, अर्थात व्यक्ति के अंदर के जो मानवीय भावनाएं हैं, जो अंदर प्रेम है, उसकी देशभक्ति की भावना है, समाज सेवा की भावना है, ये जो हैं गैर आर्थिक क्रियाओं के प्रकार ही या उसके स्वरूप हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। यहाँ पर हमने देखा है आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है, पहला है व्यवसाय, दूसरा है पेशा, तीसरा है रोजगार। यहाँ पर जो पहला
प्रकार है, जो भाग है इसका, वो है हम सामने देख रहे हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय का अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, क्रय विक्रय तथा वितरण से संबंधित होती है। अर्थात व्यवसाय के अंतर्गत वे समस्त आर्थिक क्रियाएं आ जाती हैं जिनके अंतर्गत वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का क्रय विक्रय, साथ ही सेवाओं का उत्पादन, उनका क्रय विक्रय और साथ ही वितरण, ये सब व्यवसाय की आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, किसान के द्वारा खेती करना, मजदूर के द्वारा निर्माण करना, थोक विक्रेता के द्वारा थोक माल को बेचना, फुटकर विक्रेता के द्वारा फुटकर माल को बेचना, साथ ही जमीन से खनन सामग्री को निकालना, माइनिंग का कार्य करना, ये सब व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरा प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं पेशा। तो पेशा में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें विशेष ज्ञान और चातुरी की आवश्यकता होती है और व्यक्ति इनका प्रयोग अपने धंधों में करता है। इन क्रियाओं का संबंध उन नियमों व आचार संहिताओं से होता है जो पेशेवर संस्था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पेशे में लगे लोग पेशेवर कहलाते हैं, अर्थात जो अपने ज्ञान, अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा के आधार पर उनको बेचकर उनसे जीविकोपार्जन करता है, वे पेशेवर लोग कहलाते हैं। जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखाकार, अकाउंटेंट और भी जो विभिन्न प्रकार के पेशेवर लोग हैं जो अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा के आधार पर अपनी सेवाओं को बेचते हैं, वो पेशेवर लोग कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है यहाँ पर रोजगार। रोजगार से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिनमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नियमित कार्य करता है और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कर्मचारी कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से अपने लिए कार्य करवाते हैं वे नियोक्ता कहलाते हैं। अर्थात जो कार्य किसी व्यक्ति को देता है या जो उसका कर्मचारी है वो उसका क्या है, नियोक्ता है, उसका मालिक है। तो यहाँ पर नियोक्ता या मालिक द्वारा कर्मचारी को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे हम वेतन या मजदूरी कहते हैं। तो यहाँ पर कारखाने में लगे हुए लोग, कार्यालय में कार्यालयीन कार्य करते हुए लोग, बैंक में लगे कर्मचारी, बीमा कंपनी में लगे कर्मचारी, रेलवे या किसी भी प्रकार के अन्य कार्यालयीन कार्य करते हुए जो कार्य कर रहे हैं, मैनेजर हो गए, क्लर्क हो गए, कर्मचारी के रूप में, ये सब रोजगार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ रोजगार जो है वो किसी नियोक्ता के अधीन या अपने मालिक के अधीन जो कर्मचारी कार्य करता है उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य रोजगार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने देखा आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो तीन प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं। नंबर पहला व्यवसाय के रूप में, दूसरा पेशे के रूप में और तीसरा रोजगार के रूप में।